हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप बहुत टाइम से कह रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो कल वाले व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। घर में इतने शैतान बच्चे आए हुए हो तो व्लॉग शूट कर पाए अपन? हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। और डेली व्लॉग आएंगे, मैं भी अगर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी तो यश शूट करेंगे, तो लेकिन व्लॉग डेली आएंगे। तो मैं हमेशा की तरह हो गई हूँ रेडी, और मेरी पूजा भी हो गई है। और बेडशीट की कंडीशन कुछ ऐसी है क्योंकि रोमिल यहाँ पे पड़ रहा था। एक बार बेडशीट क्लीन कर देती हूँ मैं, इसके बाद मम्मी से पूछते हैं कि खाने में क्या बना रहा है। तो एक बार बेडशीट सही कर देती हूँ। तो बेडशीट सही हो गई है, अब मैं जाती हूँ बाहर। दो तीन दिन से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही और हल्की हल्की सी धूप ऐसा है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। बाकी बारिश थी तो एक ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो रोमिल कर रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो वो तो दुकान पे बैठा है, कब से तो पढ़ रहा था। तो अब मम्मी मम्मी क्या बना रहे हो खाने में? प्याज की सब्जी। तो ऑनियन की सब्जी बन रही है, गर्मी में ऑनियन की सब्जी खानी चाहिए ऐसा बोलते हैं। अब तो बारिश भी आ गई, गर्मी भी लग रही, पता नहीं चल रहा है मौसम का तो कुछ भी। और ये आज चिल्ला क्यों नहीं रहा तू है? ए मिट्टू बोल दे एक बार, मिट्टू 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 ए मिट्टू, दीदी ऐसे बोल बोलना। नवरा नवरा तो चिल्लाता रहता है, पर इसको हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है कि कोई आता भी है, सबको पता है कि ये हमारे जो है मिट्टू, वो मिट्टू भी बोलता है और दीदी भी बोलता है। तो कोई भी आता है आपके मिट्टू बोलता है, बुलवाओ तो सही। मम्मी बुलवा बुलवा के थक जाते ही बोलता ही, मैं इतना बदमाश है। जैसा अभी मेरे साथ हुआ ना, वैसा उनके साथ भी होता है। तो अभी तो नहीं बोलेगा, लेकिन अब मैं जैसे ही ब्लॉग एंड कर दूंगी, मतलब ब्लॉग अभी जो मैं एंड करूंगी, इसके बाद बोलता हो जाएगा वापस। मिट्टू सुन रहा है वो, मैं किससे बातें कर रही हूँ ऐसा। मिट्टू बोल ना, बोल। बोला बोला मिट्टू। ए मिट्टू तो इतना तो बोला, ये मेरा मान रख दिया इसने। मम्मी का मान तो कभी रखता ही नहीं है। मम्मी बोलता है आपको कभी? नहीं। मम्मी बुलवा बुलवा के थक जाते, कोई आता है बोलता ही नहीं है। बेचारे सामने वाले भी मुंह उतार के चले जाते। ये देखो, ये प्राणी देखो आप। इतना गौर से क्या चला रहा है? नेत्र इसके कान में पटके आ रहे हैं, तो कान दुख रहा है। कान बता तेरा कितना कितना वो है तेरे मंदर, वो क्या बोलते कचरा भरा हुआ, इसको सुना ही नहीं दे रहा, सुना ही नहीं दे रहा इसको। कान में पता नहीं कितना कचरा भरा हुआ है, कभी साफ करता है कि नहीं करता है। तो आज इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कान साफ करवाने के लिए। तो मैं और रोमिल दोनों खा रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आ गई थी। एक बार तो इतनी गर्मी लग गई तो मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके सीधा सो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए, और बाहर का मौसम कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडा ठंडा तो क्या, पीछे जाऊँगी तभी पता चलेगा। एक बार तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश हो गया है मेरे, और अब मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी, क्योंकि सुबह से धूप थी तो इतनी उमस और इतनी गर्मी लग रही थी, और अभी मौसम ठंडा है फिर भी उमस तो लग ही रही है। तो एक बार फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं। और मम्मी ने इनकी शादी का एल्बम निकाला है, वो भी आज आपको मैं दिखाऊँगी, मुझे देखना था इसलिए। ये है मेरी मम्मी की शादी का एल्बम, जिसमें मेरी भी कुछ फ़ोटोज़ डाली हुई है इस एल्बम में, जब मैं छोटी थी। तो ये सन 1999 का एल्बम है, और इसमें ये थी मेरी फ़ोटोज़। खोलते में ही सीधा फर्स्ट फ़ोटो मेरी आ गई। तो ये तो शायद राखी के टाइम की फ़ोटो है, जब मैं नाना के वहाँ गई थी उस टाइम की। तो ये मम्मी पापा की शादी का एल्बम है, इसमें कुछ है कि फ़ोटो की ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मम्मी ने मुझे निकाल के दिया। मैंने कल बोला था कि मम्मी मुझे आपकी शादी का एल्बम देखना है,
इसलिए। और एक ये फोटो, ये तो मैं बहुत छोटी थी जब मैं 6 मंथ की थी, तब की थी, बहुत गोलू मोलू थी ना मैं तो। और फोटोज, हाँ एक फोटोज वो रही, यहाँ पे तो सारी शादी वाली फोटोज है। ये फोटोज मेरी है और ये फोटो दिव्यानी दीदी के, मेरी बुआ की लड़की की। और ये बिनोली की फोटोज आई है, ये भी दिव्यानी दीदी है, मैं नहीं हूँ और पापा लेके खड़े, वो भी दिव्यानी दीदी है शायद। ये पापा के बिनोली में हमारे सबसे छोटे वाले बुआ संतोष बुआ जी डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, मम्मी ऐसा बोलते, पहले भी बहुत अच्छा डांस करते थे। और ये है कानू की मम्मी अंजलि दीदी। कानू तू व्लॉग देख रहा हो, कमेंट करना तेरी मम्मी देख कैसी लग रही है, छोटी सी है तेरी मम्मी। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी एल्बम में, और मैं मेरी फ़ोटोज़ ज़्यादा ढूंढ रही हूँ लेकिन पता नहीं, थोड़ी बहुत ही है इस एल्बम में, तो मेरी कैसी फ़ोटो ज़्यादा हो सकती हो। ये फ़ोटो है मेरी दादी के साथ। तो अगर मेरे बचपन के मेमोरीज़ वाले एल्बम मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर। तो मम्मी पापा की शादी का एल्बम देख के बहुत अच्छा लगा और हमारी भी छोटी छोटी मेमोरीज देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब बचपन की मेमोरीज। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर। तो पूरे दिन से अब मम्मी और हम दोनों अब बाहर आके बैठे हैं और मम्मी छिल रहे हैं लहसुन। मम्मी कैसी है गर्मी? बहुत गर्मी है, नहीं बहुत परेशान हो गए, इतनी गर्मी है कि क्या बताएं, बहुत परेशान हो गए इस गर्मी से। अभी थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी कितनी बजी है? 6:30 बजी है, नहीं 6 बजे ठंडा है, मतलब सोचो। तो अभी ऐसा है साइलेंट साइलेंट, और पास में दशा माता की मूर्तियां भी हैं। मम्मी कह रहे थे मैं शाम को लेके जाऊंगी लेकिन नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि उनके शायद बोनी नहीं हुई है। नहीं मम्मी यू कह रहे कि बोनी नहीं हुई इसलिए मैं देखने के लिए नहीं लेके जाऊंगी तेरे को, कल लेके जाऊंगी। तो कल जाके अपन दर्शन करेंगे, मैं और आप साथ में दर्शन करेंगे। तो खाना हो गया है और मैं करूँगी वॉक। तो आज तो छोटी भी आई नहीं है, छोटी बीमार हो गई है। ए छोटी, आई आई, वॉक नहीं करनी है, बीमार हो गई है तू? बीमार हो गई, उल्टी हो गई आज भी दो बार उल्टी हो गई तेरे को। तो छोटी बीमार हो गई है हमारे, इसलिए आज ये वॉक नहीं कर रही है। वॉक नहीं कर रही है मेरे को, ठीक है वो ठीक हो जाएगी इसके बाद करेगी। एक बार मैं करती हूँ वॉक क्योंकि मैं आ गई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में, बाय।